नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। ये क्वेश्चन आंसर हमारे टेक्निकल एग्जाम जैसे UPPCLT UTU DMRC के साथ साथ BSPCL अर्थात बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और अब दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि आप अगर BSPCL अर्थात बिहार स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, और साथ साथ आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो का पूरा देखिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न विद्युत धाराओं में से किसे मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है? जिसका सही जवाब है 50 mA अर्थात 90 वोल्ट और 50 mA से अधिक करंट या वोल्टेज रहेगा तो मानव के शरीर में शरीर के लिए खतरनाक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो करंट का मान होगा? ये प्रतिरोध के नियम अर्थात V इक्वल टू IR पे लगेगा, जिसका राइट आंसर होगा 1/4, जिसमें वोल्टेज को आधा अर्थात V/2 और प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाएगा अर्थात V/2/2R, और इसको सॉल्व करेंगे तो करंट का मान 1/4 आएगा अर्थात ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी श्रेणी सर्किट में सभी भागों में निम्न में से कौन सी मात्राएं समान होती है? जिसका राइट आंसर है करंट। श्रेणी सर्किट में करंट का मान समान होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संबंधों में से कौन सा सही नहीं है? अर्थात इस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फार्मूला रॉन्ग है, इसको चूज करना, जिसमें रॉन्ग फार्मूला है P=V/R² अर्थात पावर बराबर वोल्टेज अपान प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए हम इसका एक भाग निकालते हैं और पुनः उसी पर आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं, हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा बढ़ेगी अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 200 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करें, जिसमें राइट आंसर होगा ई अर्थात 312.5 ओम। प्रश्न संख्या 7, 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई लाइन के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो? इसका राइट आंसर है शेष 3 बल्ब रोशनी देंगे अर्थात समानांतर में वोल्टेज का मान हर जगह समान नहीं होता, इसलिए एक बल्ब फ्यूज होने पर भी शेष 3 बल्ब जलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार के वोल्टेज या करंट को चित्र में दिखाया गया है? जिसका राइट आंसर है ए अर्थात एसी, एसी टाइप वोल्टेज को दिखाया गया जो साइन वेव के रूप में जिसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है? जिसका सही जवाब है किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति प्रति सेकेंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या के जैसी होती है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अल्टरनेटिंग मात्रा का समय काल 0.02 सेकेंड है तथा इसकी आवृत्ति क्या होगी? अर्थात इसमें आवृत्ति अर्थात F/1/T के फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसका राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 11, किसी डीसी मशीन के एक आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रक्रिया क्या है? जिसका सही जवाब है ई अर्थात एसी। प्रश्न संख्या 12, किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह में घूमता है? जिसका सही जवाब है
किसी डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 13, किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ से प्रेरित ईएमएफ होता है, जिसका सही जवाब है किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ गतिमान रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रश्न संख्या 14, अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट्स होती है, जिसका सही जवाब है रेडियल एवं साथ साथ ही साथ लंबवत, ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 15, किसी डीसी मशीन का घुमाने वाला भाग कहलाता है, जिसका सही जवाब है किसी डीसी मशीन का घुमाने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। प्रश्न संख्या 16, किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट से होता है, जिसका सही जवाब है किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट से की क्रिया होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट के जरिए प्राप्त होता है, जिसका सही जवाब है किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट कम्यूटेटर और ब्रश के जरिए प्राप्त होता है, जिसका प्रश्न संख्या 18, वेल्डिंग जनरेटर में होगा, जिसका सही जवाब है वेल्डिंग जनरेटर में लैप बेंडिंग होगा। प्रश्न संख्या 19, डीसी श्रेणी क्रम मोटर के घूर्णन की दिशा को टर्मिनलों को परस्पर बदलकर उलट किया जा सकता है, जिसका सही जवाब है या तो बी या तो सी, अर्थात आर्मेचर में भी बदल के किया जाता है और क्षेत्रफील में भी बदल के किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20, एक मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है, जिसका सही जवाब है एक मेगा ओम प्रतिरोध 1000 किलो ओम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका सही जवाब है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युतीय ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब है एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युतीय ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक वक्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23, तीन फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है, जिसका सही जवाब है थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राथमिक और तीन द्वितीयक वक्र शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में आईसी इक्वल टू 0.97 मिली एम्पियर और आईबी अर्थात बेस करंट इक्वल टू 30 मिली एम्पियर है, तो प्राप्त विद्युत धारा अल्फा अर्थात क्या होगा, जिसका सही जवाब है 0.97 होगा। प्रश्न संख्या 25, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज होगा, जिसका सही जवाब है एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 फेज से बाहर होगा। प्रश्न संख्या 26,
तीन फेज की आपूर्ति के किसी भी दो फेज के बीच फेज अंतर क्या होगा? जिसका सही जवाब है 120 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 27, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का क्या कार्य है, अर्थात कंजर्वेटर का क्या कार्य है? जिसका सही जवाब है, एक ट्रांसफार्मर में संरक्षण का कार्य बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 28, हमें ±5% सहनशीलता अर्थात टोलरेंस के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोध की आवश्यकता है। इस प्रतिरोध का रंग बैंड का अनुक्रम होना चाहिए। जिसका सही जवाब है ई अर्थात पीला, बैंगनी, नारंगी और सुनहरा रंग। प्रश्न संख्या 29, एक चुंबकीय संपर्क द्वारा संचालित किया जाता है। जिसका सही जवाब है, एक चुंबकीय संपर्क कुंडली द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तीन फेज वाली मोटर केवल दो फेज के साथ संचालित होती है तो इसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है। इसमें अंततः मोटर, इसका सही जवाब है, चल जाएगी। अर्थात यदि किसी तीन फेज वाली मोटर केवल दो फेज के साथ संचालित की जाती है तो वह जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है तो अपरिवर्तक प्रक्रिया होगी। जिसका सही जवाब है ये था 10 ओम। प्रश्न संख्या 32, नो वोल्टेज क्वायल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच को कहा जाता है। जिसका सही जवाब है, नो वोल्टेज क्वायल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच को चुंबकीय स्टार्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, एसी नो वोल्ट अर्थात वोल्टेज नहीं, कुंडली के आर्मेचर में लगातार चीची की आवाज को इंगित करता है। जिसका सही जवाब है, शेडेड रिंग में खुला परिपथ। प्रश्न संख्या 34, एक तीन फेज प्रेरण मोटर अधिकतम निर्धारित बलाघूर्ण विकसित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रही है। क्या होता है जब मोटर के परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विद्युत में से एक बाधित हो जाता है? जिसका सही जवाब है, मोटर परिचालन होती रहती है लेकिन अधिक विद्युत धारा खींचती है। प्रश्न संख्या 35, DOL अर्थात डायरेक्ट ऑनलाइन प्रारंभन अर्थात स्टार्टर के माध्यम से प्रारंभ होती 3 HP तीन फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के लिए बैकअप फ्यूज श्रेणी होगी? जिसका सही जवाब है डी अर्थात 16 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर 100 माइक्रो एम्पियर की एक आधार विद्युत धारा को खींचता है जबकि संग्राही की विद्युत धारा 10 मिली एम्पियर है। अल्फा और बीटा के मान की गणना कीजिए। जिसका सही जवाब है 0.990 और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई में 2 किमी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में 5 mm² के तार, ताबे के तार में के प्रतिरोध की गणना करें। यदि ताबे का प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेमी है तो जिसका सही जवाब है 6.8 ओम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर कंट्रोल सर्किट में एससीआर अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है, पावर कंट्रोल सर्किट में एससीआर एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट की स्विचिंग को नियंत्रित कर सकता है के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोबान प्रोजेक्शन यूनिट का इस्तेमाल के लिए किया जाता है? जिसका सही जवाब है, क्रोबान प्रोजेक्शन यूनिट का इस्तेमाल ओवरलोड के विद्युत लोड की रक्षा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर एम्पलीफायर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोबान प्रोजेक्शन यूनिट का इस्तेमाल के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है, ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं ताकि काम करने के दौरान उसमें उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सके। अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न संख्या 48, ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी को दर्शाता है और दूसरा अक्षर को इंगित करता है। इसका सही जवाब है, ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी सामग्री को दर्शाता है तथा दूसरा अक्षर प्रयोग को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड के कार्य की तुलना के कार्य से की जा सकती है? जिसका सही जवाब है, डायोड की कार्य की तुलना स्विच के कार्य से की जा सकती है। प्रश्न संख्या 50, डायोड BY 127 में B का मतलब और Y का मतलब क्या है? जिसका सही जवाब है, डायोड BY 127 में B का मतलब सिलिकॉन और Y का मतलब रेक्टिफायर है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप BSPCL अर्थात बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।